बारिश से शहर धुल गया, धुंध खत्म, लाहौर निखर गया, सर्दी भी बढ़ गई, आसमान पर अब भी बादलों का डेरा है, बरसने को तैयार है। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की नवीद सुना दी है। इस बारे में मजीद जानते हैं जुनैर इलियास से। जुनैर इलियास, बताइए, आपके कहने के मुताबिक दो दिन बाद ही सही लेकिन बारिश हो गई। बिल्कुल ऐसे ही है नवीद, और अभी जो बारिश बरसी है वो रात गए बरसी है, लेकिन आज जो है शहरियों के लिए खुशखबरी कि आज सारा दिन जो है वक्त वक्त से हल्की फुल्की बारिश देखने में आएगी। बारिश तो नहीं कहा जा सकता, बूंदाबांदी जो है वो सिलसिला शुरू रहेगा और रात 12 बजे तक या 1 बजे तक लेट तक इसी तरह से मौसम रहेगा। अगर गुज़िश्ता रात की बारिश के बाद के मौसम की बात कर लें तो मौसम बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया, जो पत्तों पर मिट्टी थी वो भी झड़ चुकी है और कहा जा सकता है कि एक फ्रेश सा वेदर है, फ्रेश सी मॉर्निंग है और लोग इस चीज़ को काफ़ी इंजॉय भी करेंगे कि काफ़ी अर्से बाद जो है बारिश हुई और धुंध के बादल जो हैं वो बिल्कुल झड़ चुके हैं और बादलों की और सूरज की जो आज आंख में चोली है उसका हल्का फुल्का सा सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन बादल यकीनन आज जीतने वाले हैं और आज बरसने भी वाले हैं। और कल की अगर मौसम की बात कर ले तो कल भी पार्शली क्लाउडी वेदर रहेगा कि हल्की फुल्की जो हल्की फुल्की बिल्कुल आ जा सकता है, धूप रहेगी और ओवरऑल मौसम इस तरह से रहने वाला। दर्जा हरारत की अगर बात करें तो दर्जा हरारत कम से कम आज जो है 3.6 डिग्री काउंट किया गया और ज्यादा से ज्यादा तकरीबन। अच्छा जुनैर इलियास, बारिश की ही बात करते हैं, जिसका बारिश का आपने बताया कि हल्की फुल्की बूंदाबांदी जारी रहेगी कल भी, आज बारिश वक्फे वक्फे से जारी रहेगी और कितनी रहेगी बारिश? बिल्कुल अगर अभी की बात कर लें तो तकरीबन सारी रात में 2.2 मिलीमीटर जो है उसके अराउंड बारिश हुई और अगर आज पूरे दिन में बात करें तो एक अच्छी बारिश जो कहा जा सकता है कि वो नहीं होगी लेकिन हल्की फुल्की बूंदाबांदी देखने में आएगी, वो भी खुले इलाकों में, क्योंकि हवा में नमी के तनासुब जो है 98% एक्सीड कर चुका है। उसके बाद जो होता है इस तरह का मौसम आता है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी खुले इलाकों में देखने में आती है। ओवरऑल अगर बात करें सर्दी में भी इजाफा हो गया है, बारिश हुई है और बारिश होगी भी। बहुत शुक्रिया जुनैर इलियास, अपडेट किया आपने।